जी शेख, मेरा हज के मुतालिक एक सवाल है। हमारे यहाँ पे एक सो कॉल्ड मॉडर्न मुस्लिम है पड़ोस में, उनको वो उनके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, मतलब अमीर है। तो मैंने बोला हज के बारे में, वो कहते हैं कि 4.5 रुपए, 4.5 लाख रुपए में गरीबों में बात, उसको हम ठीक से समझाए। बोला जाए भाई, आपके लायक बहुत अच्छा देखिए, सवाल है। 4.5 लाख गरीबों में बांटना एक अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं। हज एक अच्छा काम है, कोई शक नहीं। जिस पर हज फर्ज हुआ है, वो अगर हज नहीं कर रहा है, तो पहले तो उसे ये चेक करना चाहिए कि उसके नजदीक क्या क्राइटेरिया है, कि क्या वो अपनी अकल को ही हमेशा सही समझता, या वो सरेंडर और सबमिट कर चुका है अल्लाह के आगे। अगर वो सरेंडर कर चुका है, ईमान ला चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, फिर कोई चीज अकल में आए या ना आए, उसको अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं उसे कहूंगा। तो उन्हें मैं कहूंगा कि मेरी एक सीरीज है वाई इस्लाम 100 रीजंस, वो 100 रीजंस देखें। अगर उसमें से एक भी रीजन समझ में आ गया, और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी वहीं पे है इंशाल्लाह, तो उनको उसके बाद अपनी अकल में आए ना आए, बात को सरेंडर करना चाहिए सबसे पहली बात। क्योंकि ये क्राइटेरिया से वो बहुत सी गलतियों से बच जाएंगे। मिसाल के तौर पे कोई कहे भाई चिकन खा सकते हैं हम लोग, मटन खा सकते हैं, खिंजीर का गोश्त भी नहीं खा सकते, तो ये पता नहीं था पहले, फिर भी वो लोगों ने नहीं खाया। लेकिन आज जाके पता चला कि खिंजीर के गोश्त में खाने से कितनी सारी बीमारियां होती है, 200 से ज्यादा बीमारियां होती है। तो अब बीमारियों की लिस्ट पता होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर किए नहीं किए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हज के अंदर जब कोई इंसान जाता है, अब ये हिकमतें हम लोग देख रहे हैं, तो वो एक इंसान चेंज्ड पर्सन बन के आता है, एक सुधरा हुआ इंसान बन के आता है। और जब वो सुधरा हुआ इंसान बन के आएंगे, तो कितनी सारी और चैरिटी करेंगे। पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, देने के दिल की कमी है। पैसा जमा कर करके रखते हैं, समझते हैं इसी के ऊपर हम जिएंगे, यही सब कुछ है हमारे लिए, पैसा ही उनके लिए जीना मरना है। तो कितने सारे लोग, जब उनका दिल सुधर जाता है, जब वो दिल बदल जाता है, तो वो पैसा क्या, जो आप बोले ना 4.5 लाख, क्या उससे बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे। एक बार उनके अंदर वो सुधार आ जाए, चेंज आ जाए। और हज से क्या होता है, एक इंसान का गुरूर टूटता है, एक इंसान की अकड़ टूटती है, हम्बल बन के आते हैं बहुत से लोग। हाँ, ये अलग बात है कि कोई ऐसा भी हो जो वहां जाके भी नहीं हासिल किया, अगर दिखावे के लिए कर रहा है, टाइटल चाहिए, अल्लाह के लिए इखलास ना हो, तो अलग बात है। लेकिन कोई अगर सिंसियर इंटेंशन से जाएगा हज करने के लिए, तो वो एक सुधरा हुआ इंसान बन के आएगा, अकड़ टूटी हुई होगी, वो एक हम्बल इंसान बन के आएगा, उसके अंदर अल्लाह के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, और कई सारे उसके अंदर खैर पैदा होंगे। हो सकता है उसने कोई नसीहत वहां से हासिल की होगी, हो सकता है उसके अंदर 50 अच्छी चीजें पैदा हो गई होगी। तो 4.5 लाख क्या, वो तो और बहुत ज्यादा चैरिटी करेगा। और कितनी सारी चैरिटी ऐसी भी होती है, पैसों में नहीं गिन सकते हैं। कितनी चैरिटी ऐसी होती है जो एक इंसान एक मुस्कुराता है, क्या कीमत लगाएंगे एक मुस्कुराहट की, उसकी क्या कीमत है। हो सकता है किसी से अच्छे से मिलना, हो सकता है 50 लोगों की मदद करना, जो पैसों की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो जो लोग इस तरह से कर रहे हैं ना, ये हम फर्स्ट चीज पे ही जाएंगे कि क्या सरेंडर किए नहीं किए। अगर अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर हो गए, तो फिर आपकी अकल क्राइटेरिया नहीं है, अल्लाह की मर्जी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। यही तो है, हम इंसान क्या है, कोई चीज आज समझ में आती, कोई चीज उससे अच्छी चीज कल समझ में आती है। हम लोगों का मामला सब्जेक्टिव है, हर इंसान का दिमाग अलग है, जमाने और वक्त के एतबार से हमारी खुद की सोच बदलती रहती है। तो हम क्यों ना ऐसे पर भरोसा करें जो सब चीज बनाने वाला है, हर चीज जानने वाला है, अल्लाह ताला। उसने जब कहा कि हज फर्ज है तो फर्ज है, अरकान में से समझ में आना आए ना आए, अपने आप को सरेंडर करें, ये है समझदारी, यही समझदारी है जी। समझ का तकाजा है, अकल का तकाजा है कि अपने से ज्यादा जानने वाले पर भरोसा करो। जी क्या बोलते हो, सही बात है आरिफ जी, भाई समझ में आ रही है वो बहुत जी। लेकिन वो आदमी बहुत ढीठ किस्म का आदमी है, वो मैंने बताया ये सब, अल्लाह ने फर्ज किया तो करना ही होगा ऐसे बोला, बोले कि मतलब वो नहीं समझता ऐसे, तो छोड़ दूं या फिर जो मैंने बात, और कुछ। जी नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो उनको बोलिए कि आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं जी। वो उनका घर बताइए कि उनका घर किस लेवल का है, जरा हल्के से लेवल का घर वो बना सकते थे। कहते हैं कि जब अब ये नहीं तो इससे समझो, वो घूमने जाते कि नहीं जाते जी, अपने जी, भी बच्चों को लेकर के, पैसे वाले तो घूमने जाते होंगे ना जी, जाते जाते हाँ घूमने जाते होंगे। तो आप घूमने जाते हो, वो पैसा गरीबों में बांट दो ना, आईफोन इस्तेमाल करने की बजाय कोई दूसरा फोन इस्तेमाल करो और वो पैसा गरीबों में बांट दो। घड़ी क्यों पहन रखा है उसने, घड़ी पहनता होगा और जूते महंगे शूज पहनता होगा, क्यों महंगे शूज पहन रहे हो, क्यों घड़ी पहन रहे हो, उसको गरीबों में बांट दो। हाँ ये मतलब गरीबों का नाम खाली है, बस गरीबों का कुछ मसला नहीं है इनको। जो बोलता है कि हमने जो दिया होगा 4.5 लाख दे दूंगा, उसने दिया भी नहीं होगा, यकीन कीजिए नहीं दिया होगा, बेशक बेशक सही कीजिए नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि जो हज में जाने से तो जज्बा पैदा होता है भाई,
में जाने से, हज तो इसीलिए है ना कि दिल और खुल जाए, दिल में और जज्बा पैदा हो जाए, उफ़ूवत और बढ़ जाए, मुसलमानों का इज्तिमा देख, देख के आएगा, हर रंग हर नस्ल हर तरीके के लोग देख के आएगा, उसकी आंख खुल जाएगी, उसका दिल खुल जाएगा, उसके जज्बात से उसका सीना भर जाएगा, वो आएगा और देखिए लोग बदल जाते हैं। हाजी साहब को देखिए जरा नरमी आ जाती है, कबूल अगर हज हुआ है ना इंशाल्लाह तो हाजी साहब तब्दील हो जाते हैं, कुछ ना कुछ जेब में रखे रहते हैं और चाहे एक ही रुपया डाल देंगे, हाथ फैलाने वालों को डाल देंगे, बदल जाते हैं। ये, वो बहुत अहम नुक्ता है शेख, ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो हज करके आता है तो आप कह रहे हैं कि हज करने के बाद इतना नरम दिल हो जाता है, वो डरता है कि अगर मैं कोई मैं हज करके आया हूँ तो अब क्यों गलत काम करूँ, तो उससे और यानी इन्फाक का जज्बा उसके अंदर और पैदा होता है, और वन टाइम नहीं वो तो लाइफ टाइम फिर खर्च करना शुरू कर देता है, लाइफ टाइम जिंदगी भर खर्च करता है। तो इबादतों की एक बरकत होती है, एक आदमी हज करेगा नमाज पढ़ेगा तो उसके अंदर इन्फाक का दाइया पैदा होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। आप वन टाइम किसी का पैसा माइनस करके बोलो कि ये फला को दे दो, और दूसरा है कि लाइफ टाइम वो खर्च करना वाला बन जाए, तो कौन ज्यादा बेटर है भाई कि वन टाइम आप पैसा ले लो उसको वेस्ट कर दो, आप किसी को दे दो बात खत्म। लेकिन अगर वो इबादत करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, रोजा रखता रहेगा, हज करता रहेगा, तो लाइफ टाइम उसके अंदर इन्फाक का जज्बा पैदा होगा, खर्च करने का जज्बा पैदा होगा, लोगों के लिए अच्छे काम करेगा। तो इबादतों से नहीं रोकना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें होती हैं, और ये जो दूसरों की मदद का मसला है ये और ज्यादा मदद पे आदमी आमादा होता है। अगर अल्लाह से नहीं जुड़ा ना तो मदद का जज्बा नहीं पैदा होता है। एक आदमी जो अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ है उसके अंदर उतना मदद का जज्बा नहीं पैदा होता जितना एक इबादत गुजार शख्स अगर मदद करने लायक है, जितना लोगों की मदद करता है। और ऐसे लोग सोचते हैं कि काम इनके पैसे से होता है, एक और खन्नास है, ये लोग क्या सोचते हैं कि ये पैसा देंगे तो काम होगा, ऐसा नहीं है। मुसलमान इब्तदाई जिंदगी में, इस्लाम की इब्तदा में जब बहुत गरीब थे तो कैसे मुसलमानों का काम हुआ? मुसलमानों का काम पैसे से नहीं हुआ था, मुसलमानों का काम जज्बा से हुआ था। मुसलमानों ने खजूर का एक दाना खर्च किया, अल्लाह ने उसे करोड़े में बदल दिया बरकत के लिहाज से। अल्लाह के रसूल ने चंदे का ऐलान किया, जो गरीब मुसलमान थे, गरीब मुसलमान जो है जाकर के मजदूरी करके आए और पानी निकाला जो है किसी के यहाँ बाग में जाकर के, और उसे किलो पाव किलो दो किलो खजूर आधा किलो मिला और वो लेकर के अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश किया, अल्लाह के रसूल ने उनके खजूरों को सारे सामान के ऊपर बिखेर दिया। तो मुसलमानों ने जो गरीब गरीब थे अपना कम ज्यादा जो भी था उन्होंने खर्च किया और सारा काम हुआ अल्लाह की बरकत से। तो हमारे पैसे देने से काम नहीं होता है, हमारे देने में जो नीयत और जो जज्बा है और थोड़ा थोड़ा जो देते हैं उसमें जो बरकत नीयत है, उस नीयत को अल्लाह ताला बरकत से बदल देता, फिर काम होता है। 4.5-9-10-20 लाख दे दे वो कुछ नहीं होगा उससे। तो लोग जो ये माइंड में उनके है कि पैसा देने से होता है, पैसा देने से नहीं होता है, इबादत के जज्बे से सिक्के खर्च करने से हो जाएंगे, करोड़ खर्च करने से कुछ नहीं, बेबरकत हो जाएगा। काफी है, बस इतनी सी बात कि जिससे आप उम्मीद रखते हैं ना कि वो पैसा गरीब को दे दे, जो अल्लाह का बंदा हज पे जा रहा ना वो उसके अलावा भी गरीब को देता है, यानी ऐसा नहीं है कि वही पैसा देगा, उसके अलावा अल्लाह ताला उसको नवाजा, वो गरीब को भी देता है, जो हज पे जाता है पैसे वाला है तो अल्लाह के फलो करम से वो गरीब को भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।